मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षक अपनी दबंगई के चलते इन बच्चों के हक पर ही डाका डालने पर तुले हुए हैं। ताजा मामला पन्ना जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर शासकीय प्राथमिक शाला गरी पडरिया से सामने आया है, जहाँ स्कूल के बगल में बने किचन रोड में काम करने वाली महिला गीली लकड़ियों में मध्यान्ह भोजन बनाने को मजबूर है, क्योंकि स्कूल के शिक्षकों ने गैस कनेक्शन पर अपना कब्जा जमा रखा है। गैस चूल्हा प्रधानाध्यापक ने कार्यालय में रखा हुआ है, जिस पर सिर्फ शिक्षकों के लिए चाय बनाई जाती है। वही समूह की महिलाएं जंगल से लकड़ी लाकर बच्चों के लिए खाना पकाती है। जब इस मामले में डीपीसी से बात की गई तो उन्होंने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्या काम करती हैं यहाँ पर? हम खाना बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ गैस क्यों नहीं है? गैस है लेकिन भट्टी नहीं। तो कितनी दिक्कत होती है? अब दिक्कत होती है चूल्हे से खाना बनता है। किस प्रकार की दिक्कत होती है? अब दिक्कत होती है गर्मी लग रही, धुआं भी मच जाता है, गंदगी भी हो रही, गंदगी धुआं से फैलती है ना। और क्या चाहती है? तो भट्टी हमको चाहिए। ये शासकीय माध्यमिक शाला गरीब पडरिया, ये अभी चूल्हे में खाना बन रहा है, सिलेंडर वगैरह नहीं, खत्म हो गए थे, घर पे आ गए। अच्छा, उनका कहना है कि यहाँ पे सिलेंडर है, उनका प्रचार उसके ऊपर तीन चाय बनाने के लिए। ये चाय तो बनती है, चाय तो सब बनती है, और चाय वह बनती है तो क्यों नहीं? तो क्यों जब बच्चों के खाने बनाने के लिए किया है तो क्यों प्रचार के द्वारा उसमें चाय बनाई? ये क्या है कि एक सिलेंडर कम आया है, दूसरे सिलेंडर मिलना एक और आएगा तो बनने लगेगा। मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, अभी आपने सिलेंडर दिया है तो मैं उसको पता करता हूँ, अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसको रिपीट करके। सर, वहाँ के जो खाना बनाने वाले उन्होंने बताया कि जो खाना बनाते हैं काफी दिक्कत होती है, और सिलेंडर है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।